सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं आ गया और एक नया एडिट लेके। ये वाला एडिट आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि मैं इसमें सिखाऊंगा कि मतलब कैसे लो क्वालिटी का पिक्चर को आप लोग हाई क्वालिटी कर सकते हो। एंड ब्लैक फेस अगर हो किसी का, मतलब बहुत ही लाइट कम हो पिक्चर में, तो उसको कैसे आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और पूरा वीडियो को देखो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दम जाना, ठीक है। और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, एक डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं वीडियो पे, चलो वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस देख सकते हो ये है मेरा पिक्चर जिसको मैंने एडिट किया, और मैं इसको ऐसे कैसे एडिट किया वही आज आप लोगों को सिखाऊंगा। क्योंकि गाइस देखो ये जो पिक्चर है बहुत ही ज़्यादा एचडी टाइप सा है और पिक्चर फेस में भी ग्लो आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो इतना ग्लोइंग और इतना एचडी सा एक पिक्चर मैंने इसको कैसे बनाया, मतलब इतना जूम करोगे फिर भी नहीं फट रहा है, तो इसको कैसे इतना अच्छे से बनाया मैंने। और गाइस हाँ, जो इसको रियल पिक्चर है तो मैं उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो गाइस ये है वो, तो आप लोग देख कर समझ सकते हो कि पिक्चर कैसा था और कैसा बन गया। तो अभी देखो पिक्चर में इतना ज़्यादा डिफरेंट है, लोग देख के समझ नहीं पाएगा कौन सा रियल है कौन सा फेक है। तो गाइस मतलब देखकर आप लोगों को पता चल चुका है कि कैसा पिक्चर था कैसा होने वाला है। तो ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, मतलब एक तो क्या है फेस को इतना एचडी कैसे करता है वो आप लोगों को पता चलेगा, दूसरी बात मतलब ब्लैक जो स्क्रीन होता है उसको कैसे वाइट करना है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रही हो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा, आप लोगों को इसको लाइट रूम पर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट रूम पर ले जाओ। तो गाइस लाइट रूम पे मैंने पिक्चर को अपना लेकर आ गया। तो लाइट रूम पे आने के बाद गाइस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, पहले तो पहले थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस होगा एक्सपोजर इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, और इसको क्लियरिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। तो क्लियरिटी को थोड़ा सा कम करने से क्या होता है, जो ब्लैक फेस है ना देखो इधर से बढ़ा दिया तो ब्लैक ज़्यादा आ गया, इसको कम कर देंगे तो फेस थोड़ा सा वाइट सा आ गया हमारा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हाईलाइट जो है हमारा हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हाईलाइट को बढ़ाने से क्या होता है, देखो डिक्रीज किया तो थोड़ा सा लाइट जो है घट रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो लाइट फेस में आएगा। और शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि फेस में मेरा शैडो ही आ रहा है। तो इधर से देखो शैडो को बढ़ा दिया तो ब्लैक ज़्यादा हो रहा है, तो शैडो को थोड़ा सा इधर से बढ़ा दिया, मतलब कम करूँगा तो ब्लैक आ जाएगा। और वाइट जो है वाइट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देंगे, वाइट को माइनस की तरफ कर दिया। करने के बाद जो ब्लैक है ब्लैक को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो देखो अभी देखो पिक्चर हमारा थोड़ा थोड़ा करके वाइट सा हो गया हमारा। तो वाइट करने के बाद पिक्चर को क्या करेंगे हम, यह पर आने के बाद देखो गाइस इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो इतना ठीक है हमारा। तो इतना बढ़ने के बाद गाइस यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद गाइस देखो आप फेस कलर अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसको वाइट ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो मुझे ऐसा ही पसंद है तो ऐसा कर रहा हूँ। और रेड देखो गाइस जितना आपको पसंद है उतना आप कर सकते हो, मतलब फेस को लिप्स को, तो मुझे इतना ठीक लग रहा है। तो देखो बिफोर एंड आफ्टर बिफोर, तो अभी से इतना फ़र्क है। तो ये करना अब ब्लू को लेकर इधर से इधर कर देना या फिर इधर कर देना, मतलब जैसा आप लोगों को चाहिए। तो मैं मुझे इतना ब्लू चाहिए, तो ज़्यादा ब्लू मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो इतना में मेरा परफेक्ट लग रहा है, तो ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको इस यहाँ पर जाके क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद देखो गाइस थोड़ा सा पिक्चर हमारा और या से थोड़ा सा इसको कम कर देना, ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिटेल्स में जाके शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि पिक्चर हमारा थोड़ा शार्प लगे, दिखने में अच्छा लगे। तो गाइस देख सकते हो शार्पनेस को थोड़ा सा बिफोर कर दिया मैंने और आफ्टर कर दिया, तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि कितना डिफरेंट है। अभी क्या करेंगे हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, हाँ तो आप लोग भी कर लेना ऐसे सेव। तो गाइस सेव कर लिया मैंने इसको, सेव करने के बाद आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, आपका जो मतलब पिक्सर्ड एप्लीकेशन है आपको वहाँ पर इसको लेकर जाना है। एक बार पिक्सर्ड में क्यों मैं लेकर जा रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ कि इसलिए मैं पिक्सर्ड में इसको ले जा रहा हूँ। तो वीडियो में बस एंड तक देखना आप लोग, तो सब कुछ आप लोगों को पता चल जाए। तो गाइस देखो मैं यहाँ पर आ गया पिक्सर्ड में। अभी क्या करेंगे हम अपना पिक्चर जो है हम उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद गाइस इस बार टूल में हम जाएंगे, पहले बार जो टूल है उसमें जाएंगे और यहाँ से जाके क्या करेंगे इसको इधर से इधर कर लेंगे पिक्चर को, ठीक है। ऐसा कर लिया मैंने, तो फिर से टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका जो हेयर है इसको सही करना है हमें। तो कैसे सही करेंगे, तो इस वाले ऑप्शन में आना आप लोग, यहाँ पर आने के बाद अरे सॉरी, तो क्या करना यहाँ से आकर इसको साइज को थोड़ा छोटा करना, ठीक है। छोटा करने के बाद देखो गाइस ऐसे करके इसका हेयर को
आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब और भी एप्लीकेशन है हेयर को सही करने के लिए। तो मैं जस्ट आप लोगों को पिक्सार्ट से दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी हो करने में, इसलिए मैं पिक्सार्ट से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मतलब पिक्सार्ट बहुत सारे लोगों का डिमांड में है अभी, तो पिक्सार्ट से करोगे तो सब लोग अच्छे से समझ जाएगा कैसे इसको कर सकते हैं आप लोग, तो इसलिए मैं पिक्सार्ट से ही दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे करके देखना किधर किधर आपका मतलब सही नहीं हो रहा है, तो ब्रश को थोड़ा छोटा करना, फिर इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करना आप लोग, ठीक है। मतलब आपका जो हेयर है परफेक्टली कैसा लगता है या वैसा आप कर सकते हो, इसमें परफेक्ट करना एकदम अच्छे से, मतलब जैसा आपको चाहिए जितना आपको चाहिए आप अपना इससे बढ़ाकर परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैं देखो अभी परफेक्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अभी पूरा पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर से भी बढ़ा देता हूँ। तो देखो जितना चाहिए बढ़ा सकते हो उसको, तो ब्रश को छोटा करके बढ़ाओ तो अच्छे से हो जाएगा आप लोगों को। देखो अभी क्या लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, देखो बिफोर देखो एंड आफ्टर देखो, बिफोर देखो एंड आफ्टर देखो, बहुत ही गजब लग रहा है यार हेयर को हमारा। तो अभी क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से जाके और ड्रॉ टूल में जाके इसको सेव कर देंगे हम अपना जो मतलब कैलरी है वहाँ पर सेव कर दिया इसको, ठीक है। अभी क्या करेंगे दिखाता हूँ मैं। तो हेयर को सही करने के बाद गाइज आप लोग इस वाले फिक्सचर जो है हमारा, तो इसको आप ऑटोडिक्स में लेकर जाना। ऑटोडिक्स में क्या करना है, आप लोगों को स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो कैसे स्मूथ करते हैं वो भी दिखा देता हूँ अभी इस वीडियो में। तो मैं जब दिखा ही रहा हूँ सब कुछ, तो मैं दिखाई देता हूँ कैसे इसको स्मूथ भी कर सकते हो आप लोग। तो जस्ट एक डुप्लीकेट लेयर कर लेना अपना पिक्चर का। तो पिक्चर को डुप्लीकेट करने के बाद आप जैसे जाना इस वाले ब्रश में, इस वाले ब्रश में जाने के बाद देखो फ्लो है 1% और स्ट्रेंथ है 2%, ठीक है। तो और साइज तो पता है लोग आप लोगों को, तो अपने हिसाब से करना साइज को। तो साइज को अपने हिसाब से करने के बाद गाइस सिंपली आप जैसा मतलब इसे राउंड राउंड करके स्मूथ करना, क्योंकि राउंड राउंड करके स्मूथ करोगे तो आप लोगों का स्मूथ एकदम प्रोफेशनल तरीके में हो जाएगा। तो जैसा कि मतलब पीसी में होता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग पीसी में करते हो या फिर फ़ोन से करते हो, ठीक है। देखो अभी इसको ऐसे ऐसे करके स्मूथ कर लेना, ठीक है गाइस। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको स्मूथ कर लेना, मतलब ज़्यादा स्मूथ भी मत कर देना, मतलब थोड़ा जैसे कि मतलब रियलिस्टिक लगे थोड़ा थोड़ा ऐसा, इस टाइप से स्मूथ करना। अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो मैं उसको कैसे मतलब ज़्यादा हो जाए तो कैसे उसको कम कर सकते हो वो भी अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो ताकि आप लोगों का ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, ठीक ठाक में बस रह जाए, मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा लगे वैसा टाइप से रह जाए। तो देखो मेरा अभी लग रहा है कि ज़्यादा थोड़ा हो गया, तो इसको क्या करेंगे ऑपोजिटी को थोड़ा सा ही ऐसे कम कर देंगे। तो देखो अभी क्या लग रहा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं लग रहा है और कम भी नहीं लग रहा है। तो अभी देखो आइस हमारा कैसा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, एक एम्प्टी लेयर लेंगे और इसको ओवरले पे सेट करेंगे। ओवरले पे सेट करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा और इस वाले ब्रश में आना पड़ेगा, या फिर किसी भी एक ब्रश में, मतलब इस वाले या फिर उस वाले ब्रश में जाना। जाने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है, यहाँ से आना और यहाँ पर कलर में आके इस वाले कलर को फिल कर लेना, ठीक है। इस वाले कलर को फिल करने के बाद गाइस आप लोग सिंपली इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब थोड़ा और छोटा करके ड्रॉ करना है इसको ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके ड्रॉ कर देना दोनों आइस पर ही, मतलब इधर और उधर दोनों तरफ कर देना, सॉरी। तो देखो इतना कर देना, कर देने के बाद गाइस तो मेरा इधर उधर ड्रॉ हो जा रहा है। तो इसको क्या करना, अभी थोड़ा इसको ओपेसिटी को कम कर देना, देखो ओपेसिटी को इतना एडजस्ट कर देना। अभी देखो मतलब लग रहा है कि आइस थोड़ा रियल और भी मतलब खास लग रहा है बहुत। तो अभी क्या करना, इसको ऐसे सेव कर देना गाइस। तो सेव करने के बाद क्या करना, तो मेरा पहले से एक सेव करके रखा हूँ, तो इसको सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसको कर सकते हो। तो इतना तो हो गया मेरा, तो सेव कर लेना आप लोग, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस सेव कर लिया मैंने, देखो स्मूथ भी, ठीक है, सेव कर लिया। और स्मूथ करने के बाद इसको सेव करने के बाद आप लोग सिंपली क्या करना, अपना जो स्नैपचैट एप्लीकेशन होगा आप वहाँ से सिंपली पिक्चर को ले जाना। स्नैपचैट में जाने के बाद यहाँ पर जाना टोन इमेज पे जाना, तो इसको चाहे तो आप थोड़ा सा वाइट भी कर सकते हो या इधर से तो ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, और या से इसको कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना, ठीक है, ताकि अच्छा लगे दिखने में कंट्रास्ट को कम करने से। और या से जाके देखो थोड़ा सैचुरेशन को थोड़ा दे देना, सैचुरेशन को थोड़ा देने से कलर थोड़ा खिलेगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर से कर दिया तो इतना लग रहा है तो ज़्यादा लग रहा है, और इधर से कर दिया तो वाइट से लग रहा है। तो थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो कलर जो हल्का कलर है थोड़ा सा डीप हो जाएगा हमारा, तो थोड़ा सा डीप चाहिए मुझे, तो इतना कर दिया। देखो अभी दिखने में सही लग रहा है पिक्चर हमारा। और यहाँ से जाना, इसको भी थोड़ा सा कर देना, देखो इधर से थोड़ा सा बढ़ा दिया तो पिक्चर सही लग रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं इसको तो कर दिया मैंने, तो थोड़ा सा कम कर सकते हो आप लोग ताकि फेस हमारा ठीक से ग्लो दिखे। और शैडो को थोड़ा कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया मैंने। तो इधर से इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आप लोग, तो इसको ऐसे ही रख देना, ठीक है। तो इसको देखो हम सिंपली सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद
आप सिंपली इसको जो डिटेल से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो देखो इधर से देखो कि क्या लग रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है फेस में क्या हो रहा है। तो अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो हमारे जो फेस में लाइट है थोड़ा थोड़ा करके वो लाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब डॉजन बर्न देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ से देखो लग रहा है ना बहुत ही गजब। तो थोड़ा करना 30% रखना और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, थोड़ा ज़्यादा नहीं 20% रखना। तो पिक्चर देखो हमारा एक अमेजिंग सा लुक लेकर आ गया, तो देख सकते हो गाइस बहुत ही गजब लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो अगर पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ठीक है।